नमस्कार बंधुरा, आज के अभी घर पद्धति खूब सहज भावे चिकेन चाप कर देख और से देख चिकेन नहीं बोनलेस चिकेन देख और इतना धुए परिष्कार चिकेन चाप करार्जन चिकेनगुलो एक छिटो मतन कर जार फले भीतरे मसलाटा ढुकले खूब खेते भालो लागबे। एक पलिथिन नहीं माँसटा दिए आमी छिटो करब नोड़ा दिए ये नोड़ा नोड़ा दिए आमी एकटु छिटो छिटो करे नेब। और ये पलिथिनेर मध्य देवार कारण हलो चिकेनटा छिटके बेरिए जाबे ना कोथाओ एक जगह थाकबे। लेबूटा नहींबू रसटा दिए देव चिकेन जी एक गंध आई गंधटा बैरिए आसपे ये एक माखिए नीते थकल ये और ये गामलाटार मध्य मसलागुलो देव। प्रथम टक दई दीची एक पिंज बाटा और पिंज बाटा एक दो चामच मतन आटा आदा रसुन बाटा भाजा जिरे गुड़ो एक चामच एक लंकार गुड़ो एक मीट मसलार गुड़ो एकटूखानी हलुद गुड़ो देव एक गोलमरिचर गुड़ो गरम मसलार गुड़ो एक चामच और एगुलो दिए माखिए नेब। तो बेसन दीते हबे एबार और ये बेसनटा किन्तु आमी अल्प परिमाण देव बेशी देव ना शक्त हबे भालो लागबे ना बेशी दिले अल्प परिमाण दीते हबे अल्प परिमाण बेसन दिए एगुलो दिए भालो करे माखिए नीते हबे और एते किन्तु जल दिइनि आमी और नूनटा दीते हैं स्वाद मतन मसलाटा भाव कर माखिए निची बोनलेस चिकेनगुलो दिए माखिए रखब। एबार हाथ दिए माखिए रखब एटा हाथ दिए माखाले भालोभावे माखाटा এবার একটু সরষের তেল দিয়ে দেব আর এই সময় আপনারা একটু সরষে বাটাও দিতে পারেন অথবা পোস্ত বাটাও দিলে ভালো লাগবে। মাখানো হয়ে গেছে এটা এক থেকে দেড় ঘন্টা ঢেকে রাখতে হবে। डेढ़ घंटा मतन हो गए हमें खुले देख गैस ऑन कर एक कड़ा बसिए दिए कड़ाई रिफाइन तेल दिल तो एक बेशी कर दीते हैं चिकेन चापगुलो एक डुबो तेले भाजते हैं तेलटा गरम हो चिकेन पिसगुलो दिए देव और ये चिकेन चापगुलो करते गेले किन्तु गैसेर फ्लेमटा लोते दीते एक पीठ हो गेले किछुक्षण पर आरेक पीठ उल्टे दीते हबे एक पीठ हो एसेछे और आरेक पीठ उल्टे देब देखुन एक पीठ कत सुंदर कलर हयेछे और ओई पीठटा एबार जेटा उल्टे दिएछि ओई पीठटा खानिकक्षण राखते हबे তাহলে এবার একটু উল্টে দিতে হবে। দেখুন এই পিঠটা হয়েছে
আর এইভাবে একটু উল্টে পাল্টে দিয়ে পাঁচ মিনিট মতন ভাজতে হবে। তাহলে এটা হয়ে গেছে, এটা তুলে নিতে হবে। এটা হয়ে গেছে, এইভাবে একটু উঠে নিয়ে উঠে নিয়েছি। তাহলে দেখুন এটাও হয়ে গেছে, এটা নামিয়ে নেব। তাহলে দেখুন কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। তাহলে আমার এই চিকেন চাপটা কেমন হয়েছে আপনারা কমেন্টে জানাবেন, আর লাইক দেবেন, পারলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।